नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 21, 22, 23 और 24 मई के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। 21 मई के दिन आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहाँ पर आप गंभीर निर्णय ले पाएंगे और न सिर्फ निर्णय ले सकते हैं बल्कि उन निर्णयों के ऊपर काम करके आगे भी बढ़ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कई चीज़ें आपसे ही संतुलित होती हों और आपसे ही संचालित होती हों, उस समय दूसरों की ओर ना देखें और स्वयं ही कर्ता धर्ता बन करके एक दृढ़ता के साथ काम को पूरा करने की कोशिश करें। कई बार आप काम को बीच में छोड़ देते हैं जिसकी वजह से समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आप अगर काम को बीच में ना छोड़ें तो कहीं ज़्यादा आपको लाभ भी मिल सकता है और आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त हो सकती है। इसलिए अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और नतीजों की परवाह किए बिना अपने कार्य को पूरे लगन के साथ करते रहें। धन को लेकर के आपकी समस्या का समापन बहुत जल्दी होगा। 22 तारीख को आप किसी ऐसी सिचुएशन में आएंगे जब आपको पता चल जाएगा कि आपके पास धन का एक और स्रोत किस प्रकार से बढ़ सकता है या बन सकता है। उस स्थिति में जब आपको ज्ञात हो जाए कि धन का दूसरा स्रोत कहाँ से आएगा तो उस पर काम करने की जरूरत है। परिवार की महिलाओं के साथ आपको कुछ सहयोग इत्यादि प्राप्त होगा, इसके संयोग बने हुए हैं। एक सुखद समाचार के भी संयोग बने हुए हैं। आने वाले भविष्य में धन की समस्या से आपको रूबरू नहीं होना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको अभी से काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। मिथुन राशि, 23 मई का दिन आपके लिए थोड़ा सा दुविधाजनक है क्योंकि इस दिन आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आ सकता है जो आपकी लाइफ के किसी पिछले चैप्टर को क्लोज करके एक नए चैप्टर को ओपन करे। पिछले चैप्टर के क्लोज होने पर एक बहुत गहन दुख या पीड़ा आपको अनुभव हो सकती है। इस पीड़ा को आप झेल जाएं और इस पीड़ा के बाद ही नया सवेरा आपकी राह देखता आपको मिलेगा। इस सिचुएशन में आप स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें, परिवार के सदस्यों के हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें। 24 मई के दिन आप एक सेटिस्फैक्ट्री मोड में आ सकते हैं, एक आत्मसंतुष्टि की स्थिति आ सकती है, लेकिन ये आत्मसंतुष्टि की स्थिति भी एक प्रकार के भय के वातावरण के साथ ही रहेगी। यानी अंदर से अनजाना भय आपको लगा रहेगा, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं और चीज़ें आपके कंट्रोल में ना सिर्फ हैं बल्कि आप उन्हें अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग हैंडल और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको चाहिए कि 24 मई के दिन आप किसी बहकावे में ना आकर के अपने बुद्धि और अपने विवेक से निर्णय लें और अपने द्वारा सोचे व सुझाए गए रास्तों पर ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों के लिए इन चारों दिनों में से 23 तारीख अच्छी तिथि नहीं है, बाकी 21, 22 और 24 बढ़िया तिथियां हैं। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 21, 22, 23 और 24 मई के लिए। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।